हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आईजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। JIPMER की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें की स्पेशलिस्ट नर्सिंग ऑफिसर और वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। काफी अच्छी वैकेंसीज रहने वाली है। इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस अपडेट को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है। काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे JIPMER की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है पौंडुचेरी एंड यहाँ पे NM में अक्टूबर 2023 के लिए वैकेंसी रहेंगी, जिसमें की वेरियस पोस्ट रहेंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सारा कॉन्टेंट आपको दिया गया इसके अकॉर्डिंग आप इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो एडमिन रहेगा रिक्रूटमेंट सेल का, वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। कॉन्टैक्ट क्वेरी आपको यहाँ पे दी गई, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, वेब URL आपको दिया गया है, पोस्टल एड्रेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी आपकी, वो आपकी यहाँ पे 19 अक्टूबर से आप अप्लाई कर पाएंगे। उसमें जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 अक्टूबर से लेके यहाँ पे 16 नवम्बर तक आपकी रहेगी। 16 नवम्बर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 नवंबर तक आपका जो वो हॉल टिक मिल जाएगा आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड 2 दिसंबर को यहाँ पे इनका ऑनलाइन मोड का एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू भी शेड्यूल किया जाएगा। तो ये था इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसके अलावा मैं इसका पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आपको बता दूंगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट के लिए NM में वैकेंसीज जो रहेंगी वो 9 पोजिशन रहेंगी। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर NM में 20 पोजीशंस रहेंगी। उसके अलावा चाइल्ड फिजियोलिस्ट के लिए पौंडुचेरी में 2 वैकेंसीज रहेंगी। यहाँ पे आप JIPMER के कैंपस देख सकते हैं, जहां जहां पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। ये ग्रुप ए की वैकेंसी है जो कि 36 पोजीशंस रहेंगी। ग्रुप बी में आपकी यहाँ पे 61 पोजीशन रहेंगी, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर ऑपरेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उसके अलावा यहाँ पे जूनियर थेरेपिस्ट, उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसीज आपकी रहेंगी। ग्रुप सी की जो वैकेंसी रहेंगी वो फार्मासिस्ट की रहेगी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की रहेगी एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की रहेगी। इसमें टोटल 5 वैकेंसी रहेंगी, टोटल 97 वैकेंसीज आपकी रहेंगी। ग्रुप बी की सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप बाकी का देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिजर्वेशन आपको दी गई है वो सारी आप देख सकते हैं। ग्रुप ए में जो नॉन फैकल्टी पोस्ट आपकी रहेंगी, इसमें आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो रिजर्वेशन दी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेशलिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पे MBBS एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा कार्डियोलॉजी के लिए भी आपकी यहाँ पे MBBS मांगी गई है। उसके अलावा DM आपने कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेडिसिन के लिए MBBS आपकी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, MD कर रखी है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो वो नेफ्रोलॉजी के लिए भी आपकी MBBS होनी चाहिए। मैं यहाँ पे मेन वैकेंसीज का आपको बता दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी ग्रुप ए की वैकेंसीज के लिए आपकी रेडियो डायग्नोसिस के लिए भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBBS रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी रहेंगी जैसे कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की, इसमें भी मेडिकल आपका यहाँ पे जो वो फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, यहाँ पर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पे स्केल आपका 56-100 से लेवल 10 का आपका रहेगा, अप टू 30 से ज्यादा आपकी यहाँ 35 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड फिजियोलॉजिस्ट के लिए भी आपकी MPhil यहाँ पे होनी चाहिए। ग्रुप बी में जो आपकी पोस्ट रहेगी नर्सिंग ऑफिसर की, इसमें BSc नर्सिंग आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए। डिप्लोमा कर रखा है मिडवाइफरी का, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे स्केल आपका 44-900 का रहेगा, स्टार्टिंग से 35 तक आपकी एज होनी चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी आपका BSc मांगा गया है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 35,000 से लेकर सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट आपकी जो रहेगी वो जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रहेगी। इसमें भी डिग्री आपकी होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। डिप्लोमा कर रखा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास में। तो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी डिग्री आपकी होनी चाहिए 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ में।
यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है, फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं, या 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। बाकी इसके अलावा ग्रुप सी की वैकेंसी रहेंगी फार्मासिस्ट के लिए, इसमें डिग्री आपकी होनी चाहिए 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ में। उसके अलावा यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास हैं, फ्रेशर हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पे स्केल 25,000 से लेके 500 तक आपका स्टार्टिंग रहेगा, लेवल 4 का पे स्केल रहेगा। अप टू 27 ईयर्स तक आपकी यहाँ पे जो वो यहाँ पे एज होनी चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी 12th पास हैं। अगर आपने टाइपिंग स्पीड कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, टाइपिंग स्पीड का टेस्ट आपका लिया जाएगा। 19,900 से आपका यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, जो कि यहाँ पे लेवल 2 का पे स्केल आपको दिया जाएगा। अप टू 30 ईयर्स तक आपकी सैलरी यहाँ पे एज आपकी होनी चाहिए। 18 ईयर से लेके आपकी जो एज आपको बताई गई है वैसी आपकी एज होनी चाहिए। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट एंड सिलेबस आपका सभी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ग्रुप पे के लिए नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए जो आपकी रहेगी वो यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका सीबीटी एग्जाम रहेगा इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर आपको बताया गया है, कितना परसेंट आपका रहेगा, 50 मार्क्स आपको यहाँ पे मिनिमम लेने पड़ेंगे, जो कि आपके अनरिजर्व ओबीसी के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% एंड 40% यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए भी आपको मैं यहाँ पे पूरा प्रोसीजर इसका बता देता हूँ, कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन मोड से रहेगा, ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट 2 में आपको पूरा यहाँ पे यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, कैसे कैसे आवेदन करना है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अक्टूबर 2023 से ये वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसको जो वो नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे ऑनलाइन मोड से रहेगी, जो कि 1500 रुपीज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके अलग से रहेंगे अनरिजर्व ओबीसी के लिए। यहाँ पे एस सी एस टी के लिए 1200 रुपीज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पे एग्जेम्पशन रहेंगे फीस से। तो यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको मैंने बता दिया है, इसका पूरा सिलेबस आपको इनके ऑफिशियल नोटिस में मिल जाएगा। एग्जाम सिटीज जो आपकी रहेंगी वो आप देख सकते हैं, सीबीटी एग्जाम के लिए पौंडुचेरी, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बतौर, मदुरई, उसके अलावा सालेम एंड त्रिपुली, उसके अलावा यहाँ पे वेल्लोर, बेंगलोर, आपकी काफी अच्छी यहाँ पे जो वो आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा हॉल टिकट के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस आपको सारी यहाँ पे दी गई हैं, कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके अलावा लिंक भी आपको उनका दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, कैसे कैसे आपको यहाँ पे मार्क्स में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, उसके अलावा क्या आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका पूरा सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सिलेबस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। एंड ये मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।